शंकर जी ये बताए क्या विधायक जी इस बाबा नगरी को चमका दिए हैं? नहीं नहीं बर्बाद कर दिए हैं, बर्बाद करके छोड़ दिए हैं 10 वर्षों में। ठीक है वो मिनिस्टर रहे लेकिन कुछ नहीं, जीत के गए हैं उसके बाद दर्शन नहीं दिए हैं, खाली जाके शिलान्यास करे हैं। जाकर के आज 7 महीना से हम लोगों का रोड नंबर 18 यहाँ का नाला बर्बाद कर दिए। नेताजी कहते हैं बेली रोड बना रहे हैं उसको, बाप की घाट बेली रोड बना रहे हैं साला। विधायक से यहाँ के लोग खफा है लेकिन मजबूरी में उसे ही वोट करेंगे। सवाल ही नहीं उठता है, कुत्ता को दे देंगे लेकिन उसको नहीं देंगे। ये धर्म स्थल है, पर्यटक स्थल है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ये पर्यटक स्थल घोषित कर दिए हैं। ऐसे पर्यटक स्थल में क्या है, यहाँ कुछ दिखाए पर्यटक स्थल में कि पर्यटक स्थल का उसका स्वरूप दिखाए तब समझ में आएगा ना। जो अभी रमेश ऋषिदेव यहाँ के मंत्री रह चुके हैं 15 साल से, वो अभी यहाँ के MLA रह चुके हैं, इस रोड का दुर्दशा देखिए कि रोड पे अगर बारिश हो जाए तो गाड़ी चलना मुश्किल हो जाता है। अभी हल्का सा अगर बारिश हो जाए यहाँ पे 1000 ट्रक और बस और गाड़ी वाला का जाम लग जाता है, पब्लिक पूरा परेशान है। विकास तो यहाँ कुछ नहीं किया है, ऐसा विकास किया कि जितना जनता है सबको पीछे कर दिया, जनता सब पीछे हो गया और नाम अपना जैसे ऊंचा कर रहा है। इसको तो जैसे टिकट जो सरकार देता है ना सबसे बुड़बकी काम है। मंत्री जो भी विकास किए वो आपके सामने है, पहले रोड पे घास नहीं थी, अभी ये बगल का वीडियो देख लीजिए रोड पे घास लगी हुई है, और इससे विकास और क्या हो सकता है। यहाँ के विधायक जी कुछ नहीं किया है। बिहार में बाहर नीतीश कुमार है तब कैसे करते है? नीतीश कुमार तो लूट करके ले गया 15 साल से, फिर लूटने के लिए फिर उसी को कहते हैं जीतने के लिए। इसी यादव कहते हैं नमी फेल, वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो बिहार क्या चलेगा? बाप रे वही करेगा सब कुछ कल्याण। या तो नमी फेल है, कौन नमी फेल है? वही ठीक है, वही ठीक है, वही वही ठीक है, वही लायक है। एक विकास के नाम पे 1 रुपए का काम नहीं हुआ, सिर्फ पेपर वर्क पे और हवाबाजी हुई है। कौन जीत रहा है बिहार, किसकी बनेगी सरकार? 15 साल लालू प्रसाद, 15 साल नीतीश कुमार, किससे आई बिहार में बहार? कौन है CM की कुर्सी का हकदार? हमसे जुड़िए, हमें देखिए, हमें सुनिए, क्योंकि हम आपको रखेंगे अप टू डेट मिन्नत टाइम्स सबसे पहले। मैं हूं शाहनवाज, अभी हम मौजूद हैं सिंहेश्वर विधानसभा में, जानेंगे जनता का मूड क्या है, चुनावी टेम्परेचर यहाँ पे, जनता किसे विधायक के रूप में देखना चाहती है और मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहती है। 15 सालों से यहाँ पे रमेश ऋषिदेव विधायक है और वर्तमान के मंत्री भी हैं। जनता से पूछेंगे 15 सालों में उन्होंने क्या विकास किया है सिंहेश्वर विधानसभा के लिए। यह बाबा की नगरी है, सिंहेश्वर धाम है, यहाँ की मान्यता बहुत ज़्यादा है, देश के हर कोने से लोग यहाँ आते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए, लेकिन यहाँ की जो कुव्यवस्था है उससे लोग श्रद्धालु लोग खासे परेशान रहते हैं। न सड़कें हैं और न ही सही सुचारू रूप से यहाँ पे कोई इसी तरह की कोई व्यवस्था की गई है, गंदगी का भरमार लगा हुआ है और वही जाम की समस्या सबसे ज़्यादा बनी रहती है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा डॉक्टर JP राय। जनता के लिए जो यहाँ के प्रेजेंट विधायक सह मंत्री भी है रमेश ऋषिदेव, उनसे लोग खपा है की बार कि ऐसा बाबा की नगरी में रह के यहाँ की दुर्दशा जो है रोड की नली का और जनता की जो समस्या है, किसी भी समस्या में यहाँ के मंत्री महोदय जो है खड़े नहीं उतरे। मोहम्मद फिरोज। फिरोज जी ये बताए कि विधायक जी 15 सालों से यहाँ पे राज कर रहे हैं, JDU के रमेश ऋषिदेव है, मंत्री भी है, क्या विकास किए हैं सिंहेश्वर विधानसभा? कार्य नहीं किए, कुछ कार्य नहीं किए, सिर्फ कागजी पर कार्य हुए। क्या कुछ तो विकास किए होंगे 15 सालों में? कुछ नहीं, 15 साल का टाइम बहुत बड़ा टाइम होता है, उसमें तो न जाने क्या क्या बन जाना चाहिए। ये धर्म स्थल है, पर्यटक स्थल है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ये पर्यटक स्थल घोषित कर दिए हैं, ऐसे पर्यटक स्थल में क्या है, यहाँ कुछ दिखाए पर्यटक स्थल में कि पर्यटक स्थल का उसका स्वरूप दिखाए तब समझ में आएगा ना। रमेश ऋषिदेव यहाँ के मंत्री रह चुके हैं 15 साल से, वो अभी यहाँ के MLA रह चुके हैं, इस रोड का दुर्दशा देखिए कि रोड पे अगर बारिश हो जाए तो गाड़ी चलना मुश्किल हो जाता है। अब ये हल्का सा अगर बारिश हो जाए यहाँ पे 1000 ट्रक और बस और गाड़ी वाला का जाम लग जाता है, पब्लिक पूरा परेशान है। अरुण जी ये बताइए कि 15 सालों से रमेश ऋषिदेव वर्तमान के विधायक है, यहाँ पे मंत्री भी रहे JDU के, क्या विकास किया है सिंहेश्वर विधानसभा में? विकास तो यहाँ कुछ नहीं किया है, ऐसा विकास किया कि जितना जनता है सबको पीछे कर दिया, जनता सब पीछे हो गया
और नाम अपना जैसे ऊंचा कर रहा है, इसको तो जैसे टिकट जो सरकार देता है ना, सबसे बुड़बकी काम है। मोहम्मद दानिश, दानिश जी ये बताए 15 सालों में मंत्री जी ने क्या विकास किया आपके विधानसभा के? मंत्री जो भी विकास किए वो आपके सामने है। पहले रोड पे घास नहीं थी, अभी ये बगल का वीडियो देख लीजिए, रोड पे घास लगी हुई है। और इससे विकास और क्या हो सकता है हमारे सिंहेश्वर के लिए? सबसे पहली जी होती है यहाँ पे विकास, रोड होती है, रोड लाइन और स्वास्थ्य लाइन। यहाँ पे पूरा का पूरा स्वास्थ्य लाइन और रोड लाइन पूरा बिगड़ी हुई, इससे और विकास क्या खोजिएगा हमारे श्री सिद्धू में? किसे विधायक के रूप में देखना चाहते हैं या मुख्यमंत्री के रूप में? अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहेंगे? अभी जो हमारे यहाँ के युवा के पसंदीदा नेता पप्पू यादव को मानते हैं। किसकी सरकार और यहाँ के विधायक जी क्या काम किए हैं? यहाँ के विधायक जी कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। अभी विधायक जी फेसबुक से फेसबुकिया नेता बन रहे हैं, फेसबुक पे नया नया आईडी बनाए हैं और चमक रहे हैं, हर जगह जाके चमकाते हैं। जीरो बटे जीरो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शंकर प्रसाद अग्रवाल। शंकर जी ये बताए, क्या विधायक जी इस बाबा नगरी को चमका दिए? नहीं नहीं, बर्बाद कर दिए, बर्बाद करके छोड़ दिए 10 वर्षों में। ठीक है, वो मिनिस्टर रहे लेकिन कुछ नहीं, जीत के गए हैं उसके बाद दर्शन नहीं दिए हैं, खाली जाके शिलान्यास करे हैं। जाकर के आज 7 महीना से हम लोगों का रोड नंबर 18 यहाँ का नाला बर्बाद कर दिए। नेताजी कहते हैं बेली रोड बना रहे हैं उसको, बाप की गांड बेली रोड बना रहे हैं साला। यहाँ आपके शहर में आपके हॉस्पिटल में एक दवाई नहीं है, एक स्टाफ नहीं है, कोई मतलब कुछ नहीं है। कोरोना में ये 6 महीना में एक दिन सैनिटाइजर नहीं हुआ है। नेताजी क्या करते हैं, घर में सोए रहते हैं या हवाई जहाज से जाते हैं पटना, समझे ना, एसी में बैठते हैं, उनको क्या पता। मैं उनका 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 फेसबुक पेज देख रहा था, उस पे लिखे हुए थे नए नए 10 दिन पहले आईडी बनाए हैं और उस पे लिखे हुए थे कि जल नल योजना, 7 निश्चय योजना, सड़क योजना, कुछ नहीं। टूटे हुए टाट पर पैबंद लगाने का नाम है विकास, ये विकास पुत्र है। आज जाके देखिए मुक्ति धाम बना है, करोड़ों रुपया खर्चा हो गया, समूचा धस गया, सोलर लाइट लगाए, सब बैटरी खत्म हो गया, सब पेड़ पौधा उखड़ गया, कुछ नहीं, कुछ नहीं। चोरी हो गया तो आप उसकी सुरक्षा कर दीजिएगा। शहर में कहीं बस स्टैंड बना क्या, समझे ना? ये बाबा बाबा की नगरी है, कहते पर्यटक स्थल बनाना है, मुख्यमंत्री जी आए कई बार, बर्बाद कर दिए यहाँ के सिंहेश्वर विधानसभा को, बर्बाद कर दिए। ये जो आपने हैं रमेश ऋषिदेव जी, बर्बाद कर दिए। लोग कह रहे हैं कि मंत्री से विधायक से यहाँ के लोग खफा है, लेकिन मजबूरी में उसे ही वोट करेंगे। सवाल ही नहीं उठता है, कुत्ता को दे देंगे लेकिन उसको नहीं देंगे। देखिए किस तरह से यहाँ पे लोग विरोध कर रहे हैं विधायक जी का, और वर्तमान में जो मंत्री है उसका विरोध कर रहे हैं। नाम तो छोड़ दीजिए, कुछ नहीं किया। अभी गेहूं और मक्के बेचे हैं 900 रुपया कुंटल, और धान भी बेच रहे हैं 900 टके कुंटल। कैसे किसान खेती करेगा ऐसा विधायक? आप किसान है? ऐसे सरकार में नीतीश कुमार तो लूट करके ले गया 15 साल से, फिर लूटने के लिए फिर उसी को कहते हैं जीतने के लिए। वर्तमान विधायक है रमेश ऋषिदेव जी, जिनको हम लोग ने लगातार 3 बार मौका दिया, लेकिन आज विकास के नाम पे आप देख सकते हैं सामने की सड़क कैसी है, ना नाला है ना सड़क है और ना ही यहाँ की, जबकि ये सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र है जिसे मिनी बाबा धाम के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर एक विकास के नाम पर 1 रुपये का काम नहीं हुआ, सिर्फ पेपर वर्क पर और हवाबाजी हुई है। और वर्तमान जो हमारे मंत्री जी हैं, कम से कम इस बार मंत्री बने तो हम लोग को आस लगी जो चलो कुछ करेंगे जनता के लिए, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला है। मंत्री हमको ऐसा मतलब मुख्यमंत्री जो भी बने, तेजस्वी यादव युवा हैं बने अच्छी बात है, मगर उससे पहले हमको एक अच्छा विधायक चाहिए, क्योंकि हमारे क्षेत्र में जो विधायक रहते हैं वो हमारे गांव मोहल्ले या सड़क जो भी चीज़ होता है इस मुद्दे पर आवाज़ उठाए और बात करें, क्योंकि मतलब मुख्यमंत्री साहब देखने नहीं आएंगे यहाँ, क्योंकि जिसको विधायक बनाएंगे एक ऐसा विधायक जो मतलब हमारे युवा और सड़क और स्वास्थ्य मतलब सब कुछ के बारे में बात करे। यहाँ तो सड़क ऐसी है, हम 15 साल से जब से हम होश संभाले हैं हमको लगता नहीं कि सब मतलब सड़क अच्छा से बना होगा। ठीक है, विधायक ऐसा चाहिए कि मतलब जो हम लोगों के मतलब आके मिले जुले। पहले मेरे पिताजी होंगे तब तो हम होंगे, पिताजी हैं ही नहीं तो हम कहाँ से। पिताजी हमको यहाँ खड़ा किया तब ना आके हम वो बोलते हैं कि मेरा बेटा है। आपके पिताजी कौन है? लालू यादव। अब लालू यादव कैसे हो जाएगा, वो मतलब हम बता रहे हैं तो लालू यादव ला के दिए। वैसे अभी लालू यादव को हम लोग मानते हैं, चूंकि आज तक आज यहाँ। अच्छा ये बताइए लाल, एक मिनट, लालू यादव को मानते हैं इसीलिए बाहरी कैंडिडेट को आप वोट कर देंगे? लालू करेंगे ओनली फॉर तेजस्वी यादव।